दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पत्ता गोभी की सब्जी, जो बनाने में बहुत ही इजी और बिल्कुल नई तरह की रेसिपी है। बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंस है और बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार बनाओगे तो आप इसको बार बार बनाना रिफ़र करोगे। तो चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शीला, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कुकिंग विद शीला में। तो सब्जी बनाने के लिए हमने पत्ता गोभी ले लिया है, या फिर बंद गोभी भी इसे कहते हैं। तो इसको बारीक बारीक काट के हमने धो के अच्छे से साफ कर लिया है। अभी जो कटा पार्ट है, इसे हम थोड़ा सा पत्ता गोभी कटा हुआ अलग निकाल कर रख लेंगे, इसका हमें आगे यूज करना है। अब इसमें जाएगा ढेर सारा हरा कटा धनिया, चिली फ्लेक्स, जीरा पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और जाएगा इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर एक चम्मच भर के, एक कट हरा मिर्च। अब ऐड करेंगे हम इसमें बेसन। बेसन हम पहले 2 चम्मच ऐड करेंगे, इसको चम्मच से ही सूखा मिक्स करेंगे, पानी बिल्कुल पहले नहीं ऐड करेंगे, नहीं क्या होगा, मसाला और बेसन सारा पत्ता गोभी में अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो हम पहले सूखा ही अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और इसको मिक्स करके हम 5 से 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ढककर छोड़ देंगे, रख देंगे, क्योंकि इसका जो भी मॉइस्चर होगा पत्ता गोभी का छूट जाए। तो अगर हमें ज़रूरत लगती है तो हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, 1 चम्मच 2 चम्मच, और इसको मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। गीला हमें बिल्कुल नहीं करना, बस ऐसा चाहिए हमको कि बाइंड हो जाना चाहिए पत्ता गोभी बेसन में। अब इसको हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे और इसको किसी भी कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा इसको, हाथ की सहायता से या फिर ब्रश की सहायता से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे हम इसको ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद जो हमने बाइंड करके पत्ता गोभी रखा है सारा इसी में डाल देंगे। डालकर चम्मच की सहायता से अच्छे से दबा दबा कर इसको पूरे में फैलाकर एक बढ़िया सा लेयर बना लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह दबा के इसको हमने अच्छे से बराबर कर लिया है। अब हमने एक कढ़ाई लिया है, उसमें हमने नीचे पानी डाल रखा है 1 ग्लास, और ऊपर से एक छन्नी या फिर स्टैंड जो भी आपके पास है रख कर प्लेट को उसी में रख दीजिए। और अब इसको हम ऊपर से ढक्कन से ढक देंगे, और 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे। उसके बाद एक कांटे वाला स्पून लेंगे, उसको इसमें डालकर देखेंगे, अगर स्पून में बेसन नहीं लग रहा है तो समझिए कि पक चुका है। अब इसको हम निकालेंगे, निकालकर इसको रख देंगे बिल्कुल ठंडा होने के लिए, और एक अलग कढ़ाई लेंगे, तब तक उसमें हम तड़का तैयार करेंगे जब तक ये ठंडा हो रहा है। तो हमने उसमें 1 चम्मच भर के जीरा डाला, 1/4 टीस्पून हींग डाली, इसको हल्का सा तड़का लेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा अब बारीक कटा हुआ प्याज, तो हमने 1 बड़ा साइज का प्याज कट करके बारीक लिया है, इसको भी डाल देंगे। डालकर प्याज को हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। उसके बाद जाएगा इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक लहसुन, इसको डालकर अब गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को हम पकाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 हरी कटी हुई मिर्च, आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो 2 भी ऐड कर सकते हो। और अब इसमें जाएगा, हमने 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, उनको कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करके अगर आप चाहो तो पेस्ट भी यूज कर सकते हो, पर मैंने कद्दूकस किया हुआ है। टमाटर डालने के तुरंत बाद इसमें जाएगा नमक, तो नमक आपने उसमें भी डाला था तो उसी हिसाब से नमक डालिएगा। अब जाएंगे इसमें कुछ ड्राई मसाले, तो टमाटर को हमने पूरी तरह से नहीं पकाया है, हल्का सॉफ्ट होने के बाद इसमें हम मसाले भी डाल देंगे और मसाले भी साथ पका लेंगे। तो मसाले में मैंने डाला हल्दी 1 चम्मच भर के, धनिया, थोड़ा सा लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, और तेल छोड़ने तक अब इसको हम टमाटर के साथ मसाले पकाएंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे जो हमने बंदा गोभी कट करके रखा था, अलग निकाला था थोड़ा सा, उसको डाल देंगे। डालकर मसालों के साथ चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको थोड़ी देर के लिए हम पका लेंगे, 1 से 2 मिनट पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे हम पानी, तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ी सी ठीक ही ग्रेवी रहती है, इसको पानी मिलाकर अच्छे से हम थोड़ी ढक देंगे और एक उबाल आने देंगे। जब तक ग्रेवी में उबाल आ रहा है तब तक इसको देख लेते। तो इसको हमने 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। अब इसके हम पीसेस कट लेंगे, और इसको कोई ज़रूरी ही नहीं है कि आप सब्जियों के साथ स्टीम करें, इसको आप चाहें तो अलग से भी स्टीम कर सकते हैं। पर सब्जियों के साथ स्टीम करने से क्या होता है कि हमारे दोनों काम एक साथ हो जाते हैं, हमें अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी ग्रेवी में उबाल आ चुका है, अब हमने जो पीसेस कट करके रखे हैं इनको इसमें डाल देंगे। चौकोर पीसेस कट किए हैं, आप अपनी
चॉइस से कोई भी शेप दे सकते हो उनको। तो अभी ग्रेवी पतली लग रही, पर ये सब्जी बनने के बाद ठंडी होने के बाद बिल्कुल गाढ़ी हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा पतली ही ग्रेवी रखिएगा। अभी हम इस 2 मिनट के लिए इनको ढक देंगे, जब इसमें उबाल आने लगेगा तो हम इसमें कस्तूरी मेथी डाल देंगे और गरम मसाला ऊपर से डाल देंगे, क्योंकि इसको हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है, जो पीसेस हमने बनाए सारे फूट जाएंगे इसी के अंदर। तो 2 मिनट बाद बनकर तैयार है पत्ता गोभी की गर्मा गर्म टेस्टी सब्जी। इसे आप पूड़ी, पराठे, चावल किसी के भी साथ खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर ज़रा सा भी सब्जी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो बाय।